हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैं साफ करती हूँ गैस को रोज रोज रोज। हमेशा लंच या डिनर बनाने के बाद हम हमेशा साफ करते हैं, और साफ करना बहुत ही जरूरी होता है हाइजीन के लिए। तो आज मैं अपना रूटीन बता रही हूँ, ये मेरा प्रोसेस है कि मैं किस तरह से फॉलो करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले ये जो भी स्टैंड होते हैं हमें निकाल लेने होते हैं, और आप देख सकते हैं ऑयल आटा वगैरह गिरा हुआ है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी कि मैं लिक्विड जो जेल आता है बर्तन धोने का, वो थोड़ा सा लूंगी और हल्का सा स्क्रबर से इससे इस तरह से मैं साफ करूंगी। और ये जो किनारे किनारे लगे हैं ये सारी चीजें मैं स्टील के स्क्रबर से साफ करूंगी। तो ये बहुत ही अच्छे से साफ हो जाता है, जल्दी साफ हो जाता है। और इसे मैं रोज करती हूँ, दिन में एक बार तो ऐसे मैं रोज इसको धोती हूँ ताकि ये साफ रहे। और हमें इसे भी साफ करते रहने चाहिए महीने डेढ़ महीने में, तो ये साफ हो जाता है और गैस की बर्बादी भी नहीं होती है। तो इस तरह से मैंने अच्छे से कर लिया। और अब मैं क्या करूंगी कि ये स्टील का स्क्रबर लूंगी, और ये स्टील का जो प्लेट लगे हैं इस पे उसको मैं इसे साफ करूंगी। तो बहुत ही तरीके से साफ हो जाते हैं। और जब भी आप गैस साफ करें तो ध्यान रखें कि ये ठंडा होना चाहिए, यानी कि लंच या डिनर बनाने के बाद आप उसे क्लीन करें, आधे एक घंटे बाद, तुरंत ना साफ करें। इसी तरह से ये पोर्शन भी मैं साफ कर लूंगी। और अगर आपका ये बॉडी स्टील का है, हालांकि ये शीशे वाला है, अगर स्टील का है तो आप इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे भी। मैं नहीं यूज करती यहाँ पे, सिर्फ स्टील बॉडी पे ही यूज करती हूँ इसको। इस साइड भी अच्छे से हम साफ कर लेंगे, और नाप को भी एक बार अच्छे से इसको आप साफ कर लें। साइड से भी मैंने साफ कर लिया। तो इस तरह से स्टील स्क्रबर का काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम एक बार इससे फिर से इस स्क्रबर से साफ कर देंगे। और अब मैंने इस तरह का कपड़ा लिया, इसे गीला कर लिया मैंने। तो गीला करने के बाद इसको एक बार इस तरह से वाइप कर दें आप अच्छे से। ये बहुत ही जल्दी साफ हो जाता है। आप कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं यहाँ पे, कॉटन का कोई भी कपड़ा लें, बहुत ही अच्छे से साफ हो जाता है। और एक बार वाइप करने के बाद इस कपड़े को मैं धो लूंगी और फिर से वाइप करूंगी। और बार बार इस कपड़े को कम से कम एक से दो बार वॉश करके आप इसे पोंछते रहें जब तक कि झाग खत्म ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्लीन होते जा रहे हैं। साइड से भी पोंछ लेंगे हम एक बार। और अब हम एक सूखा कॉटन कपड़ा लेके इसको इस तरह से पोंछ लेंगे। हर साइड से अच्छे से आप पोंछ लें इसको। तो इस तरह से क्लीन हो गया है, आप देख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि जो स्टैंड है हमारा, इसे मैं नल पे जाके साफ कर लूंगी अच्छे से। सेम इसी प्रोसेस से मैं साफ करूंगी, ज्यादा कुछ नहीं करना रहता इसमें। तो इस तरह से आप क्लीन कर सकते हैं अपने गैस को। आप देख सकते हैं बिल्कुल शाइन करने लगा, और सिर्फ 5 से 7 मिनट में ही बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो डेली यूज में आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये था मेरा रूटीन
गैस स्टोव को साफ करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फीडबैक जरूर हमें दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।